भारत चीन सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना काल में जब सारी दुनिया कोरोना से निपटने की तैयारी कर रही है, तो चीन इस तरह की उकसावे की कार्रवाई के जरिए क्या हासिल करना चाहता है? सच्चाई ये है कि चीन भारत के साथ तनाव बढ़ाकर एक साथ कई लक्ष्य हासिल करने की तैयारी कर रहा है। चीन कोरोना से दुनिया का ध्यान हटाना तो चाहता ही है, साथ ही भारत के साथ विवाद बढ़ाने की एक वजह दुनिया की नज़रों में भारत का ऊंचा होता कद भी है, जिसकी वजह से अमेरिका समेत तमाम बड़े देश भारत को आर्थिक और रणनीतिक समर्थन दे रहे हैं। इसे ड्रैगन की ताकत दिखाने की सनक कहें या फिर विस्तारवादी नीति, अपने सभी पड़ोसियों के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। छोटे देशों को चीन हमेशा आँख दिखाता है, लेकिन भारत को आंख दिखाना चीन को भारी पड़ जाएगा। सीधे सीधे कहें तो चीन भारत की कामयाबी से जल गया है। चीन को अपने होते आर्थिक नुकसान से डर लग रहा है और इसका सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। चीन हिंदुस्तान से कैसे डर गया है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीनी सरकार समर्थित अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा है कि भारत कभी भी चीन का विकल्प नहीं बन सकता। दरअसल कोरोना पर चीन के गंदे खेल से बाहर निवेश करने वाली दुनिया भर की कंपनियां परेशान हैं और करीब 1000 कंपनियां वहां से बोरिया बिस्तरा समेटकर भारत में निवेश करने की प्लानिंग कर रही हैं। गौरतलब है कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल 20% प्रोडक्शन क्षमता भारत में शिफ्ट करना चाहती है, तो वहीं फुटवियर सप्लाई करने वाली जर्मन कंपनी वॉन वेल्क्स चीन से आगरा शिफ्ट कर रही है। ये फुटवेयर कंपनी दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में जूते चप्पल की सप्लाई करती है। बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में ये कंपनी आगरा में 100 करोड़ का निवेश करने वाली है। इसी तरह से मोबाइल बनाने वाली कंपनी लावा ने चीन से कारोबार समेटने और भारत में निवेश करने का फैसला लिया है। अगले 5 साल में ये कंपनी 800 करोड़ रुपए का निवेश भारत में करेगी। इसके अतिरिक्त अमेरिका की कई और बड़ी कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तरा समेटकर भारत में निवेश करने वाली हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में यूपी की योगी सरकार पर इस बात को लेकर भी निशाना साधा है कि योगी सरकार ने निवेश के लिए इकोनॉमिक टास्क फोर्स का गठन किया है। दरअसल चीन इस वक्त कोरोना की वजह से दुनिया के निशाने पर है। सारी दुनिया चीन से जवाब मांग रही है। अमेरिका और भारत जैसे देशों से विवाद करके चीन दुनिया का ध्यान बटाना चाहता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन की नीति है पहले किसी जगह पर अपना दावा करना, फिर धीरे धीरे उस जगह पर खुद को मजबूत करना, फिर वहां पर अपना कब्जा कर लेना। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के दबाव में वहां की मीडिया भी सरकार के भौंपू की तरह ही काम करती है। अगर चीन की मीडिया जोर शोर से भारत के साथ विवाद के मुद्दे को उठा रही है, तो इसके पीछे भी चीनी सरकार की कोई साजिश होगी।